कर्तव्य की बलवेदी पर शहीद हो गए विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान। कल जिस तरह से तमिलनाडु के कन्नूर में MI-17 चॉपर में जो हादसा हुआ है, उसमें आगरा के लाल पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए हैं। वो विंग कमांडर थे, बताया जा रहा है कि वही हेलीकॉप्टर चला रहे थे, और ऐसे में उनके परिवार में इस समय मातम का माहौल है। चार बहनों में अकेले भाई थे, बहनों के लाडले थे, परिवार के लाडले थे, और अब बस यादें ही शेष रह गई हैं। वो अब ऐसी दुनिया में चले गए हैं जहाँ से कोई वापस नहीं आता। हाथों में आप देख सकते हैं अपने भाई का फोटो लिए हुए, ये दूसरे नंबर की बहन है मीना सिंह, उनसे बात करते हैं। बहुत कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन जो भी जज्बात निकल के आते हैं उनसे बात करते हैं। कब आपकी आखिरी बार बात हुई थी? बात तो फोन पे करता रहता था, अभी तो हफ्ते 10 दिन पहले इसने फोन करा था, बस मुझको बस बात करी थी। राखी पे ही हम सब मिले थे, राखी पे आया था 15 दिन की छुट्टी लेकर के। उसने लास्ट बार राखी बनवाई थी 31 सालों बाद, उसने अपने हाथों पे राखी बनवाई थी 31 साल बाद। हाँ जी, किस तरह से बचपन से ही देश सेवा करने का, किस तरह का उनका जुनून रहा, किस तरह से वो एयरफोर्स में भर्ती हुए? सैनिक स्कूल में गया था, ये रीवा में सैनिक स्कूल से इसने पूरी स्टडी करी थी अपनी इंटर तक। उसके बाद इसने NDA के लिए फॉर्म भरा था अपने आप। NDA में पास होने के बाद एयरफोर्स कब ज्वाइन किया था? एयरफोर्स करा था 2000 में, साल 2000 में एयरफोर्स ज्वाइन। तो कल जब ये हादसा हुआ, आपको कैसे सूचना मिली? मेरी बड़ी सिस्टर बॉम्बे में जो रहती हैं, उनके द्वारा ही मेरे को सूचना मिली थी। 4 बजे उन्होंने ही मेरे को फ़ोन करके बताया था कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। यादें ही शेष रह गई हैं उसकी, बस उसे नहीं हम ढूंढ सकते, अब नहीं मिल सकता बॉब हमको। पृथ्वी सिंह अब ऐसी दुनिया में चले गए जहाँ से कोई वापस नहीं आता, केवल वक्त ही परिवार को मरहम लगाएगा। मामा भी हमारे साथ हैं, क्या नाम है साहब? रमेश चंद। रमेश जी, किस तरह से आपके भांजे इस देश की सेवा करते हुए शहीद हुए हैं, कल एक हादसे में उनकी जान गई है, क्या कैसी आपकी यादों का किस तरह का सिलसिला है, क्या कहना है? अरे साहब, यादें तो हमेशा उनकी दिल में आती रहेंगी, आप और देश के लिए तो नौछावर हुई है, लेकिन उन्होंने काम भी देश के लिए बहुत अच्छा और ईमानदारी और निष्ठा से किया है। हैदराबाद में पहली पोस्टिंग के बाद कई सारे शहरों में रहे, उसके बाद सूडान में भी ट्रेनिंग। हाँ जी, कई शहरों में रहे मुद्दे जी। हाँ, एक साल के लिए वो सूडान भी गया था, अंडमान निकोबार भी हो आया। हैदराबाद से शुरू हुआ ये पूरा जॉब? हाँ जी, हैदराबाद से ही। दूसरे नंबर की जो बहन है, बहुत ज़्यादा रो रो कर बुरा हाल है। कज़न ब्रदर भी हमारे साथ हैं, आपके भाई किस हादसे में जान गई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आपको लग रहा है? सरकार को लेकर आज रक्षा मंत्री बयान जारी करने वाले। पहले तो जब हमको ये खबर मिली तो एक बार को तो हमको लगा ही नहीं कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उनका नाम बहुत ही कुशल पायलटों में लिया जाता था, जिसकी वजह से उनको 2015 में विंग कमांडर भी बनाया गया। लेकिन जब ये खबर मिली तो बहुत ज़्यादा ही हमें दुखी हुआ। अब देखना ये है कि रक्षा मंत्री इसका कि किस वजह से यह हादसा हुआ, क्योंकि मेरे को नहीं लगता कि इतना कुशल होने के बाद उनसे कोई भी चूक हो सकती है। या तो उड़ने से पहले जांच होती है, वहाँ पे उनको चेक करना होगा कि कहाँ पे क्या कमी रही जो ये हादसा उनके साथ हुआ। कुल मिला के ये जांच का विषय है, लेकिन परिवार पूरी तरह से गमगीन है, और जिस तरह से आगरा का एक लाल आज पूरे कर्तव्य की बलवेदी पर शहीद हुआ है, तो अब सरकार की तरफ से औपचारिक बयान तो आना बाकी है, लेकिन रो रो कर परिवारजनों का बुरा हाल है, और अब पृथ्वी सिंह केवल लोगों की यादों में, लोगों के जहन में ही अब बस एक यादें बनकर ही शेष रहेंगे। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP। ABP गंगा,
खबर आपकी, जुबान आपकी।